राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र उसका नाम लेकर के इस बाल को अपने शरीर के इस अंग पर बांध करके यह प्रयोग कर देते हैं तो वह सदैव के लिए आपके आकर्षण पास में, वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बंधी रहेगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असाधारण प्रयोग है। इस प्रयोग के बाद आपके चेहरे में एक कांति, एक आकर्षण की वृद्धि होगी। आपके ओज में, आपके तेज में, आपके वीर में वृद्धि होगी। आपके स्तंभन शक्ति में वृद्धि हो जाएगी। आपके पौरुष में वृद्धि हो जाएगी। मर्दाना शक्ति में वृद्धि होगी। यह प्रयोग पुरुषों के लिए है, युवकों के लिए है, वहीं इसका प्रयोग करें। और किसी फीमेल को, किसी स्त्री को वशीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, मगर भूल करके भी इसका कदापि दुरुपयोग ना करें। इस प्रयोग में आपको किसकी बाल की आवश्यकता है आपको यह जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। जब भी कोई प्रयोग करे, अपने मन में एक प्रसन्नता का भाव रखें और प्रयोग के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की पूर्ण आवश्यकता है। और साथ में इस बात का आपका ध्यान रखना होगा कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। और यदि आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है तो प्रयोग में सफलता थोड़ा देरी से मिलती है। दूसरी बात कि किसी को क्षति पहुंचाने की नीयत से, हानि पहुंचाने की नीयत से, ब्लैकमेल करने की नीयत से या चीट करने की नीयत से कदापि हमारे द्वारा बताए गए किसी प्रकार के प्रयोग का दुरुपयोग ना करें। हाँ, यदि आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते मनमुटाव बढ़ता जा रहा है, तो रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, अपने रिश्तों को बचाने के लिए इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस कर सकते हैं। रिश्ता पति का हो, प्रेमी का हो, पत्नी का हो, प्रेमिका का हो, अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए वशीकरण का प्रयोग करें, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपने इष्ट का स्मरण कर लें, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके अध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश भी ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रयोग करें, सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपके जितनी भी समस्या है उनका समाधान हमारे माध्यम से हो, अर्थात अपनी जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान मेरे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क करें। फोन कॉल का कदापि प्रयोग ना करें। कारण क्या है? अधिक कॉल आने के चलते नंबर साइलेंट ही होता है। किसी का फ़ोन उठता है, किसी का फ़ोन नहीं उठता है। आप लोग का फ़ोन नहीं उठेगा तो आप लोग को बुरा भी लगता होगा। अतः आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का प्रयोग करें। और हम चलते हैं प्रयोग विधि पर। जो आज का प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ वो अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है। श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इसको आजमा के देखिएगा। इस प्रयोग में आपको ऊंट के बाल की आवश्यकता है। ऊंट का कोई बाल हो सकता है, पूंछ का बाल ले लेना है आपको। धूप दीप अगरबत्ती वगैरह दिखाते उसको सिद्ध कर लेना है और उसको अपने जांघों में बांध करके, अगर आप पत्नी से, प्रेमिका से
सहवास करते हैं, संभोग करते हैं, तो जब तक रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक आपका स्तंभन रहेगा। और एक बार जिसका प्रयोग किसी फीमेल पर करने के बाद वह सदैव के लिए तन मन धन से आपकी बसीभूत रहेगी। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और असाधारण प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। उनकी रस्सी नहीं मिलेगी तो आप संपर्क करिएगा। धन्यवाद। राम राम।